हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू नरेट यू अ स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द क्रेन एंड द फॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट. अ फॉक्स एंड अ क्रेन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. दे बोथ वर फ्रेंड्स. वन डे द फॉक्स invited the crane for the dinner. The crane was very happy. जब आपको कोई खाने पे बुलाता है डिनर पे, आप कहीं जाते हो तो आप भी खुश होते हो ना. Seeing the crane was very happy. She reached the fox house in the evening. The fox made soup for dinner. The smell of soup made the crane hungry. जब आपका फेवरेट खाना बना होता है तो उसकी खुशबू से आपको भी ज़्यादा भूख लगती है ना. सेम क्रेन को भी ज़्यादा भूख लगी थी. बट द फॉक्स सर्व द फूड इन टू फ्लैट बाउल्स. इन टू फ्लैट बाउल्स द फॉक्स started eating soon food. जो उसने खाना शुरू कर दिया. But the poor crane could not eat the soup from the bowl and she was hungry. बहुत भूखी थी and भूखी ही रह गई. But she thanked the fox for the dinner. Before she left, she invited him to her house for dinner the next day. When the fox reached the crane's house, he could smell a delicious porridge. The crane served the food in two tall and narrow vessels. जब फॉक्स क्रेन के घर पहुंचा तो उसे स्वादिष्ट दलिये की खुशबू आई. लेकिन इस बार क्रेन ने खाना किस में सर्व किया? भीड़े और लंबे बर्तन में. द क्रेन कुड ईजीली ईट द फूड फ्रॉम द टॉल वेसल. बट द फॉक्स could not even reach the food. This time it was the fox's turn to go hungry. इस बार फॉक्स की टर्न थी भूखा जाने की. The crane taught him a good lesson. क्रेन ने उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाया. किड्स, आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिली? कि जी हमें हमेशा अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए. जब हमें पता है कि हमारे गेस्ट को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कौन सी नहीं अच्छी लगती, तो हमें उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. किड्स, बाय बाय एवरीवन. एंजॉय द स्टोरी. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू.